एचएल टीवी न्यूज। कांग्रेस कमेटी के भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर थे और उन्होंने चंडीगढ़ में अपने 4000 वर्कर्स के साथ मीटिंग की। वहीं अमृतसर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने उन पर तीखा हमला किया है। तरुण चुग ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस कमेटी के भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जो चंडीगढ़ में थे वो सिर्फ राजनीति छुट्टियां बिताने जैसा था। इससे पंजाब में बिखरी पार्टी कांग्रेस से एकजुट नहीं हो सकती। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो शाही राज कर रहे हैं उनसे आम कांग्रेसी कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये दौरा असफल रहने वाला है और पंजाब 2017 में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आएगी। राहुल गांधी जेडे कांग्रेस के महामंत्री ने उनका चंडीगढ़ का दौरा एक राजनीतिक टूरिज्म है। इससे कांग्रेस के आंतरिक व बाहरी मामलों में कोई फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के 3000 से ज़्यादा नेताओं को उन्होंने चंडीगढ़ बुलाया है, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजशाही बर्ताव व नेतृत्व से काफ़ी नाखुश हैं। कांग्रेस के अंदर उनके जो स्वभाव के कारण तपश पैदा हुई है उससे कांग्रेसी बुखलाए फिर रहे हैं और पंजाब के अंदर उनके बनने के बाद कांग्रेस में कोई करंट नहीं आया है, उल्टा हमारा गठजोड़ आगे बढ़ा है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी का ये दौरा जहां तक असफल भी रहेगा, वहीं अकाली भाजपा का जोड़ निश्चित रूप से सरकार बनाएगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में जो राजशाही नेतृत्व कांग्रेस में आया है निश्चित रूप से कांग्रेस तीसरे नंबर पे जाएगी। अमृतसर से हलचल टीवी के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।